नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर। अंजड़ महाविद्यालय में अप्रोच रोड का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन द्वारा किया गया। महाविद्यालय में अप्रोच रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम स्वामी अमूर्तानंद शासकीय महाविद्यालय अंजड़ में विधायक निधि से अप्रोच रोड के भूमि पूजन का कार्यक्रम पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों द्वारा महाविद्यालय के नवीन भवन हॉल में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य उमेश कुमार काकरेश्वर ने अपने स्वागत भाषण में समस्त अतिथियों का अभिनंदन भी करते हुए उनका स्वागत किया है। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष गौरव जोशी ने विधायक निधि से अप्रोच रोड हेतु प्राप्त राशि के लिए विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय के विधायक प्रतिनिधि केपी सिंह चौधरी ने अप्रोच रोड स्वीकृति हेतु विधायक महोदय का आभार माना। वरिष्ठ कृषक समाज सेवी पुरुषोत्तम पाटीदार ने विद्यार्थियों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की बात कही और वरिष्ठ उद्योगपति और समाज सेवी शेखर चंद्र पाटनी ने महाविद्यालय निर्माण में नगर के समाज सेवियों के योगदान को याद करते हुए महाविद्यालय के निर्माण में उनके योगदान को याद किया और वर्तमान में महाविद्यालय विकास को देखते हुए खुशी भी जाहिर की है। अंत में पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए शिक्षा के महत्व को बताते हुए सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने और नए आयाम स्थापित करने हेतु विषम परिस्थितियों में ज्ञान अर्जन करने हेतु प्रेरित किया। प्रोफेसर एमएस मोदी सर को आमंत्रित करता हूँ स्वागत करने के लिए। प्रोफेसर अनिल सोलंकी सर पर मीतू मोतियानी मैडम को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। उसके पश्चात डॉक्टर सुरेश काक सर को आमंत्रित करता हूँ, टीवर को आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसके सर ऊपर फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक भैया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है महाविद्यालय के अंदर, किस कार्यक्रम में? देखिए, महाविद्यालय अंगड़ में पिछले कार्यक्रम में हम आए थे तो हमें अप्रोच रोड की मांग मुझसे जो की थी तो मैंने 5 लाख रुपए की राशि दी, वो सैंक्शन हो गई। उस रोड का आज हम भूमि पूजन करने आए थे, भूमि पूजन हो गया और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ में, टीचिंग स्टाफ के साथ में, कुछ जो हमारे जो पार्टी के जो कुछ हमारे कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ में मीटिंग भी थी, वो मीटिंग अभी हुई है। और 5 लाख रुपये का सड़क का भूमि पूजन था, इस कारण से हम आए हैं इस 5 लाख रुपए के भूमि पूजन के लिए। और इस रोड की बधाई और शुभकामना कॉलेज के हमारे पूरे परिवार को, आप सब। सर इसके अलावा भी कुछ और मांगे कॉलेज वालों ने की थी? छोटे एक वो यात्री प्रतीक्षालय की बात रखी है तो हमारी तरफ से हमारे विधायक प्रतिनिधि केपी भाई यहाँ देखते रहते हैं काम को, और भी कोई बात आई तो हमने अपने वक्तव्य में भी ये बात बोली है और अपनी हमारी पार्टी के वक्ताओं ने भी इस बात को जो बोली है कि आप लोग बच्चे लोग अपनी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करें, आप अपने पढ़ाई को मूर्त रूप दें, उनको अंजाम दें, हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। कॉलेज से संबंधित और भी कोई बात है, देखिए ये अंजड़ का महाविद्यालय कैसा सेंक्शन हुआ है, कैसी ज़मीन अलाट करी है, कैसा बना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे जो मोतीलाल वोरा जी रहे हैं जो अभी स्वर्गीय हो जा चुके हैं, शेखर चंद पाटनी जी ने स्पष्ट अपनी बात में कहा है कि हमने कितने लोगों ने 11,000 रुपये इकट्ठे किए, फिर ज़मीन हमने ली, फिर इस बिल्डिंग के लिए हम जो लगे, तो सब पूरा इसकी जो आधारशिला और इस बिल्डिंग को जो खड़ी करने के पीछे कांग्रेस पार्टी रही है
और जो भी इसके अलावा भी जो रहे हैं, तो हमारा कहना है कि जो मकसद और उद्देश्य जो कॉलेज का जो होता है, छात्र स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई करें, हम जनप्रतिनिधि के नाते, मुझे भी जो विधायक के नाते मेरी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी का मैं निर्वहन करूँगा, और उसके लिए हमने विधायक प्रतिनिधि के रूप में केपी भाई को डेप्यूट किया ही है। नगर पंचायत के हिसाब से हमारे सूरज भाई, जिनकी श्रीमती जी उपाध्यक्ष सही से और अध्यक्ष जी और सब यहाँ आए थे, तो बाकी और कोई चीज़ है यहाँ कॉलेज से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हम उसको करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।